सुकमा जिला के बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो बाजार में दिन दहाड़े चली गोली। मोती अलंगार ज्वेलर्स के मालिक को मारने की नीयत से चलाई गई गोली। फुसरो भुवनेश्वर सिंह बंद पेट्रोल पंप के सामने मुख्य पथ से चलाई गई गोली। प्रत्यक्षदर्शी युवा व्यवसायिक संघ के रवि सिंह ने बताया कि बाइक सवार दो युवकों ने दुकान के सामने गोली चलाई, जिससे दुकान के सामने का शीशा टूट कर गिर गया। बाइक सवार युवक मुंह पर काला गमछा बांधे हुए था। अपराधी गोली चलाते हुए आगे निकल गया। बेरमो पुलिस पहुंची घटना स्थल पर। दुकानदारों में आक्रोश, बाजार बंद करने का किया आह्वान। ये मामला करीब एक बजे का है, एक बजे दोपहर का। तो अपराधी मोटरसाइकिल से दोनों कपड़ा बांधे हुए थे ब्लैक कलर का, और मोती अलंकार से गोली चलाए। आप देख रहे होंगे कि पूरा शीशा उसका गिर गया। और ये इस तरह का घटना ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी मातो मार्केट में गोली चला था, उस समय भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ऐसे ही हम लोग हल्ला गुल्ला किया, लेकिन हम लोग को कोई साथ नहीं दिया, और वो भी मामला धीरे धीरे रफा सफा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का घटना घटते रहेगा तो ये कोई मतलब दूर नहीं है, आदमी की दहशत में नहीं है। सच बात है, इस तरह से गोली चलने से, घटना चलने से लोग दहशत में आ जा रहे हैं। तो ये हम लोग पूरी तरह से इस चीज का विरोध करते हैं। प्रशासन से हम लोग अपील करते हैं कि हम व्यवसायियों का आप रक्षा कीजिए, हमारे साथ आप लोग रहिए, इस तरह का घटना हमारे साथ ना हो, हम लोग खुल के अपना व्यापार कर सके। बस हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अभी पूरा मार्केट अभी हम लोग बंद करेंगे, और सब एकजुट होके हम लोग इस चीज का विरोध करेंगे।